बिहार के भागलपुर से एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिली है। दरअसल भागलपुर जिला के मथुरा गांव में रेप का एक आरोपी है जो कि पेशे से एक शिक्षक है। छात्रा से शिक्षक ने रेप किया था, जिसको लेकर छात्रा ने शिक्षक नीरज मोदी पर रेप का आरोप लगाया था। वहीं रेप की सजा से बचने के लिए आरोपी ने अपनी मौत की झूठी कहानी रच दी। उसने अपने पिता से अपने अंतिम संस्कार का नाटक कराया। आरोपी ने बकायदा पुलिस और कोर्ट को गुमराह करने के लिए चिता पर लेटकर फोटोशूट भी कराई। वहीं जब मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट में हुई तो पिता की तरफ से इन तस्वीरों को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट को गुमराह करने के बाद रेप का आरोपी शिक्षक नीरज और उसके पिता अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस ने भी आरोपी की मौत को सच मानकर केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। न्यायालय में जो फाइल थी वह पूरी तरह से बंद हो गई। दरअसल शिक्षक नीरज मोदी पर 14 अक्टूबर साल 2018 को एक छात्रा ने रेप केस दर्ज कराया था। इसी बीच बेटे को सजा से बचाने के लिए पिता राजा राम मोदी उर्फ राजा मोदी ने उसके मौत की झूठी कहानी बनाई। आरोपी के पिता ने बेटे को पहले कफन उठाया, फिर चिता पर लिटाया और फिर आंखें बंद कर उसकी तस्वीर ली। शातिर ने कहलगाम घाट से लकड़ी की खरीद वाली रसीद भी बनवा ली। उसी के सहारे बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया। दोनों साथ रखकर रेप के आरोपी के पिता ने कोर्ट में शपथ पत्र के साथ उसे दाखिल कर दिया, जिसके बाद अदालत में केस बंद हो गया। इन दोनों शातिर की झूठी कहानी का खुलासा रेप पीड़िता की मां ने किया। पीड़ित की मां ने अधिकारी को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी दी, साथ ही मामले में जांच की गुहार लगाई। इसके बाद बीडीओ ने मामले की जांच शुरू कराई तो पूरा सच सामने आ गया। 21 मई 2022 को आरोपी राजा राम मोदी पर धोखाधड़ी के साथ साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। बता दें कि रेप के आरोपी का पिता जेल में बंद है और नीरज मोदी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया है। वहीं आरोपी शिक्षक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।